लेट हो रहा है ना। हाँ यार बहुत लेट हो गया यार, देखो लगता है कि बारात भी आ गई है ना। बारात आ गई है, बाप रे कितना ज़्यादा सजा हुआ है वहाँ पे, देखो बहुत ज़्यादा सजा हुआ है और भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा है। मैची लग रही, बहुत सुंदर लग रही। पहले ना हम लोग घर चलते, घर में देखते कोई है या नहीं है ना। हाँ पहले पहले हम लोग घर ही चलते हैं, शादी में बाद में जाएंगे, पहले हम लोग घर चलते हैं ना। चलो हम लोग घर चलते। अरे दीदी कोई तो नजर नहीं आ रहा, घर कितना खाली है। हाँ ये तो बात सही बोल रही हो यार, तो घर में कोई भी नहीं है, शादी वाला तो घर लग ही नहीं रहा है, हम तो इतनी तैयार होके आए हैं। हम किसी गलत घर में तो नहीं आ गए ना, क्या पता कोई है। सोमू दीदी यार यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे यार क्या करें अब हम लोग, यार कोई नजर भी नहीं आ रहा है, पूरा घर ही खाली है, ये तो लग ही नहीं रहा कि शादी वाला घर है, पूरा घर ही खाली है। रिंकी दी कोई है क्या घर में? रिंकी दी सोमू, अरे यार ये तो कोई भी नजर नहीं आ रहा, क्या करेंगे। अरे दीदी किसी ने गेट बंद कर दिया बाहर से। गेट बंद कर दिया है? कौन खोल नहीं रहा है? अरे यार खोलो फिर हम लोग कैसे चलेंगे इधर का। अरे यार देख इधर का भी गेट बंद हो गया है, जरूर कुछ टेंशन हुई है, घर का भी गेट नहीं खुल रहा है। दीदी हम घर कैसे जाएंगे? यार मुझे भी टेंशन हो रहा है, कैसे जाएं हम लोग घर, खोलो यार इधर का भी गेट। हां हां करो, नेटवर्क आ रहा है फोन में? हां नेटवर्क आ रहा है, फोन नहीं लग रहा दीदी। यार हम लोग कहां आके फंस गए यार, हम लोग तो शादी में जाने के लिए निकले थे। हमें तो डर लग रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ, बाहर से दरवाजा भी किसी ने बंद कर दिया है। लग रहा है कोई हमें जरूर फंसा रहा है, पक्का हमें कोई फंसा रहा है। वार्ड ऐसा मत बोल, हमने पूछा था ना किसी से कि शादी वाला घर कौन है, तो हमें तो इसी गली में बताया था। हाँ। किसी गली में चले जाओ, अब गेट भी खुला तो हम घुस गए अंदर, अब तो हमें जो 100% लग रहा है कि हमें किसी ने फंसा रहा है, कोई फंसा रहा है हमें जरूर। प्लीज हेल्प करो, क्या करें गॉड, गेट भी बंद हो गया, गेट भी नहीं खुल रहा है, ये तो इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं, करो कोई तो रास्ता मिल जाए। अरे इधर तो एक रास्ता है, पर इससे मैं तो निकल जाऊंगी पर दीदी नहीं निकलेगी, और मैं उन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती। ऐसा करती हूँ मैं उन्हें क्लोरोफॉर्म देकर बेहोश कर देती हूँ और मैं भाग जाती हूँ, वरना वो उनको ऐसे क्या करूँगी, मैं उन्हें छोड़कर भी तो नहीं जा सकती, पर इससे वो तो निकलेंगे ही नहीं, मैं क्या करूँ उन्हें, उन्हें क्लोरोफॉर्म दे देती हूँ मैं, वो सोई रहेंगी और मैं निकल जाऊँगी, फिर मैं कोई बहाना बना दूँगी, क्या करूँ मैं उनके साथ फंस के यहाँ नहीं रह सकती, तो भगवान का धन्यवाद है कि मुझे कोई रास्ता मिल गया। कुछ करती दीदी। उफ बाप रे कैसे हम लोग जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा, पूरा गेट वगैरह सब बंद है, ये छोटी भी कहाँ चली गई है, मुझे दिख भी नहीं रही है, किधर चली गई है, सब कहते उनकी कहाँ छोटी। अरे हाँ दीदी मैं तो रास्ता ही ढूंढ रही हूँ कि किधर से हम लोग को कोई रास्ता मिल गया, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूं। थक गए थे बस, यही थी मैं भी तो कुछ देख रही हूँ कुछ मिल जाए। मैं तो परेशान हो गई हूँ, अब मैंने सोच लिया है मैं उनको क्लोरोफॉर्म दूंगी और निकलूंगी, कितनी यहाँ गर्मी है, मैं तो शादी घर चली जाऊंगी, वो पड़ी रहेंगी उनकी वजह से मुझे हमेशा झेलना पड़ता है। दीदी दीदी। हाँ छोटी कोई रास्ता मिला क्या? नहीं रास्ता तो नहीं मिला है मुझे। और छोटी भी कहाँ चली गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है, बड़ी बड़ी दीवार हमें कैसे इसमें क्या करती, कहती छोटी कहाँ गायब हो जा रही है, और
को खुल जा, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कह रहा। छटपटाओ मत मेरी दीदी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। हाँ मेरी प्यारी बहन, तुझे शादी घर ले जाऊं, यहाँ आके खड़ी हो जा। फाइनली क्या करूं, इनका मुंह बांध देती हूँ मैं, इनको होश आए तो ये चिल्लाए ना। ओह गॉड, ठीक से बन जा, मुझे तो डर लग रहा है इनको होश ना आ जाए। माय गॉड, ऐसी शादी मैंने कभी नहीं देखी, मुझे ऐसा करना पड़ा हो। ना मुंह ना खोल ले, हाथ बांधू आपके, आप यहाँ शादी इंजॉय करो दीदी, मैं चली अपनी शादी घर। मेरा तो देखो रास्ता मिल गया, मैं तो उस विंडो से जा सकती हूँ। प्लीज सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, हाँ आप नहीं निकल पाती उसमें से, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बाय दीदी, बाय। अरे यार, मेरा माथा क्यों चक्कर दे रहा है? अरे मेरे हाथ मुंह भी बंधे हुए हैं। अरे ये किसने किया मेरे साथ, किसने किया मेरे साथ छोटी? अरे यार, चलो मैं खोलूं तो अपने आप को। अभी तक मेरे माथा चक्कर दे रहा है, छोटी ने मेरे साथ ऐसा किया, और मैं तो बेहोश थी, पर मुझे सुनाई दे रहा था कि एक रास्ता खुला हुआ था, वो उसमें से भाग गई और मुझे मुझे छोड़ गई, छोटी ने मेरे साथ ऐसा किया। उफ।